यार अभी ना हमको यार ये देखे ओए 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 सारा का सारा काम खराब हो चुका। हम अंडे लेकर आए थे आपको दिखाने के लिए, ये देखिए 10 अंडे हो चुके हैं, 10 अंडे, 5 बड़े और 5 छोटे। तो यार आज की मज़ेदार बात जो है ना वो व्लॉग जो है ना आज का स्टार्ट करना है अजान ने। यार अजान मुझे बोल रहा था चाचू व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा। अजान चलो भाई। अस्सलाम दोस्तों, कैसे आप सब? आज हमारी डक ने 5 अंडे उसने दिए, 5 हमारी किसने दिए थे? किसने दिए यार? ब्लैकी ने दिए पूरे मुर्गे का काम देखे। तो फिर चले जान अब। हाँ, यार अब हम जाने वाले बाहर वाले मीनू जू, उधर चल के ना हमने यार वो केजिस को ठीक करना, क्योंकि यार अपनी रानी के नीचे, और रानी नहीं यार सॉरी उसका नाम क्या था, हीर, हीर के नीचे हमने अंडे रखने। तो अभी इंतजार किए बगैर चलते हैं मीनू जू में। हम मिनी जू पहुंच गए हैं। तो यार अजान आज व्लॉग बना रहा है, यार क्या मजा आ रहा है, आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना कि कैसा व्लॉग बन रहा है। यार अजान खुद बहुत लगा हुआ है आज। यार मुझे कह रहा था चाचू मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है, मैंने बनाना है। मैंने कहा चलो ठीक है यार तुम व्लॉग स्टार्ट कर लो। अभी जल्दी जल्दी हम आए क्या लेने इधर? यार हमने करना है अपने डक के लिए, हीर के लिए केज रेडी, जिसके अंदर हमने अंडे वगैरह रख के हीर को बैठाना है। तो ये वाला केज हम रेडी करते हैं जल्दी जल्दी, पराली वगैरह फेंक के ये आगे से केज को ठीक करते हैं दरवाजे को। तो फिर अंडे भी लेकर आएंगे और अंडे इधर अंदर रखेंगे, और हमारी हीर किधर ये देखे, ये फिर अंडों के ऊपर बैठेगी। अभी के लिए मैंने दोनों केजेस की सफाई कर दी हुई है। तो यार इस केज के अंदर अच्छे तरीके से पराली लगा लेनी है, क्योंकि यार हमने इस केज के अंदर अपनी रानी को बिठाना है, यार उसके नीचे अंडे रखने। अभी जल्दी जल्दी ना इस केज के अंदर पराली लगाता हूँ। ये वाली पराली मुझे बाहर निकालनी है यार। वे यार ये देखो ना क्या है, पकड़ लो मुर्गी का अंडा आया हुआ। यार ये वाली पराली को बाहर निकाल लेता हूँ अभी। हमने केज को रेडी कर दिया हुआ। तो आज जुम्मे का दिन है यार, रोजा वगैरह रखा हुआ है। तो अभी चलना है हमें थोड़ी देर बाद जुम्मे की नमाज अदा करने, और उसके बाद हम लेकर आएंगे अंडे जो कि हमने इस केज के अंदर रखने हैं। तो दोस्तों कल जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुझे रोज़ा काफ़ी ज़्यादा लग चुका था, और इसी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं थी बनाई। लेकिन आज हम जा रहे हैं मिनी जू में यार अपने डक के नीचे अंडे रखने के लिए, और अरमान के काम देखे। अरमान अंडे दिखाओ यार, करीब करो, ये देखें यार इतने ज़्यादा अंडे अरमान कुछ ही देर बाद हमारे डक के नीचे होंगे। अभी इंतज़ार किए बगैर अरमान चलो निकलते हैं मिनी जू की तरफ। आ जाओ अरमान। तो दोस्तों अभी ने सभी डक को बंद कर दिया हुआ, मुर्गियाँ वगैरह। तो अभी हमने हीरो राजा को बाहर निकालना है, और उसके बाद इस केज के अंदर पराली भी फेंकनी पड़ेगी। यार जो पराली हमने कल फेंकी थी वो गंदी हो चुकी थी, अभी न्यू पराली फेंकते हैं, उसके बाद माहौल बना के आपको चेक करवाते हैं। तो यार अभी बिग डक के लिए ये वाला मैंने एक घर बना लिया, जिसके अंदर अंडे रख के चेक करने वाला हूँ कि यार हमारी डक इसके अंदर बैठेगी कि नहीं। अगर इसके अंदर ना बैठे तो फिर हम केज के अंदर ही पराली फेंक के ना फिर उधर ही लगा लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसके अंदर अंडे रखते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारी बिग डक के अंडे, और साथ में यार हमारी देसी मुर्गियों के 5 अंडे, और ये जो 6वां अंडा है ना ये है हमारी असील मुर्गी का। यार एक अंडा ये निशानी लगी हुई है, और ये सारे के सारे अंडे अब हमने रख लिए हुए हैं। हीर को निकालने का टाइम आ चुका है, उसको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि यार इसको अंदर रखेंगे और चेक करेंगे वो ऊपर बैठती भी कि नहीं। इस केज के अंदर पराली वगैरह लगा ली हुई है, और ये देखें हमारी छोटी डक इधर आ गई, और राजे को निकाल के मैंने उधर डक दिया हुआ है। फिर जो है ना मैंने अरमान को पकड़ा दी हुई है। अभी जल्दी जल्दी यार ये वाले अंडे हमें उठा के ना इसके अंदर रखने पड़ेंगे, क्योंकि यार ये जो बना हुआ है दाबड़ा वगैरह जो भी यार बना है ये टप इस केज के अंदर नहीं जा पाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये अंडे हमें उठा कर इस केज के अंदर रखने पड़ेंगे। सारे के सारे अंडे मैंने केज के अंदर रख लिए हैं, अभी ना अपनी ईट को उठाते हैं और उठा के ना इस केज के अंदर छोड़ते हैं। तो यार अभी ना हमको यार ये देखे ओए 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 सारा का सारा काम खराब हो चुका है यार। अभी इसको इधर से बाहर निकाल लेते हैं, ये नहाने लग पड़ी है, बाहर निकलो।
चलो चलो केज के अंदर। यार दोबारा से मैंने इसको पकड़े हुए देखे। ओए यार अभी मजा आने वाला है यार, अभी मजा आने वाला है। ये देखे बैठेगी यार, बैठेगी। छोटे जो अंडे है ना, अगर इसने पाँव ऊपर रख दिया ना तो मेरे ख्याल से यार टूट भी सकते हैं। ओए होए होए यार, हिरन सारे के सारे अंडे नीचे लेकर बैठ चुकी है यार। सारे के सारे अंडे नीचे रख लिए हुए इसने। ये हमने अच्छा कर दिया भाई यार, इसके नीचे अंडे रख दिए और ये भी शोर कर रही है, साथ में राजा भी लगा हुआ यार। अब तुम जितने दिन ये अंडों से बच्चे नहीं निकालते तुम उतने दिन उधर ही रहोगे। वो देखे यार इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। यार ये देखिए साइडों से पराली उठा कर ना ऊपर कर रही है। पराली मैंने काफ़ी ज़्यादा रख दी हुई है तो अभी इन्हें इससे ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार हमें देख कर ना थोड़ी सी नाराज़ भी हो सकती है और नर्वस भी हो सकती है। तो इसके केज का दरवाज़ा बंद करते हैं और लॉक भी लगा देते हैं। ये देखिए अभी बैठ चुकी है मुकम्मल तरीके से। ये देखें यार अभी तुमने ना इन जितने भी अंडे पड़े हुए हैं इनसे बच्चे निकालने हैं, पराली ऊपर कर लो और इसके अंदर ना तुमने अंडे भी देने हैं यार। 5 अंडे बड़े, 6 अंडे छोटे पड़े हुए हैं। अभी कल भी चेक करेंगे कि अंडा इसने दिया है कि नहीं। ऐसी मुर्गियां ही राजा छोटी गैंग सभी को मैंने बंद कर दिया हुआ है। हीर बैठ चुकी है अंडों के ऊपर तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे हम इसको। अभी हम जाने वाले हैं घर, तो आज की वीडियो हम ये पे करते हैं एंड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हीर अंडों के ऊपर बैठ चुकी है, तो आज की वीडियो फिर ये पे करते हैं। मिलकर तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिए। मेरे चैनल रहमान अली व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलकर अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।